अफगानिस्तान के शानदार बल्लेबाज ने अपने 9वें वनडे मैच में 60 से ऊपर की औसत से 530 रन बनाए। जदरान ने पिछली 6 पारियों में 3 सेंचुरी लगाए, जिसमें से 2 शतक श्रीलंका के ही खिलाफ आए। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जदरान ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और अर्धशतकीय पारी खेला। हालांकि ये युवा खिलाड़ी शतक के काफी करीब जाकर आउट हुआ। इब्राहिम जदरान ने आउट होने के पहले 11 चौके और 2 छक्के की मदद से 98 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के बदौलत अफगानिस्तान टीम ने 269 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाई। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान को 269 रन का लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इब्राहिम ने अपने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि वो पहले अपने चौथे एक दिवसीय शतक से चूक गए। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली हाफ सेंचुरी जरूर जड़ी और इब्राहिम अफगानिस्तान के लिए पिछले एक साल में स्टार बल्लेबाज के रूप में बनकर उभरे हैं। उन्होंने पिछले साल अपनी टीम में खेलते हुए वनडे इंटरनेशनल में 3 सेंचुरी भी लगाई और 21 साल के इब्राहिम ने अपने 9वें वनडे मैच में 98 रन की पारी खेलकर 500 रन भी पूरे किए।